झटपट बनने वाला मिर्ची का अचार तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको हरी मिर्च का अचार बनाना बता रही हूँ, झटपट बन जाता है। इसके लिए मैंने हरी मिर्ची 250 ग्राम ली हूँ, इसको धो के अच्छे से साफ करके सुखा ली हूँ। अब इसको हम एक के दो करना है इस तरीके से। सब मिर्ची को आपने इस तरीके से धो के सूख कट कर ले। 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच राई और आधा चम्मच मेथी। राई, सौंफ और मेथी को हम भून लेंगे। हल्का भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना है। ये देखें, इस तरीके से इसको हल्का भूनना है, कलर खराब नहीं करना है। अब ये ठंडा होगा तो इसको पीस लेंगे। हमने जो मसाले पीसे हैं वो सब इसमें डाल देंगे। अब देख सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी है, इसी चम्मच से ली हूँ। आधा चम्मच कलौंजी है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच राई की दाल है, 2 चम्मच नमक है। इन सबको अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। ये आप बना के दूसरे ही दिन या शाम तक फिर से खा सकते हैं। तमाम मसाला इसमें मिल गया है। आधा कप राई का तेल है, इसे अच्छा इतना गर्म करना है कि इसमें से धुआं निकलने लगे। अच्छा गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको गैस को बंद कर देती हूँ। तेल हमारा ठंडा हो गया है, अभी इसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे और ये पूरा तेल इसमें आपने डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। 3 टेबल स्पून नींबू का रस है, अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप इसकी जगह पर सिरका भी डाल सकते हैं। ना धूप में रखने की ज़रूरत है, ना ही 8 दिन 4 दिन ऐसे ही रखने की ज़रूरत है। आप इसे ऐसे ही बनाकर इस तरीके से खा सकते हैं। आप भी इसे बनाएं और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।